एक घर को बनाने के लिए आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी निकाल देता है, वहीं कुछ बिल्डर्स रातों रात अपनी बिल्डिंग्स खड़ी कर देते हैं। लेकिन यदि बिल्डिंग्स को अवैध रूप से बनाया जाए तो सरकार को उसे नष्ट करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। ऐसा एक मामला है नोएडा का, जो अपनी आसमान छूती इमारतों के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। दरअसल नोएडा के सेक्टर 93A में सुपरटेक के करीब 100 मीटर ऊंचे अवैध ट्विन टावर्स को 28 अगस्त रविवार को दोपहर 2:30 बजे 3700 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थों का उपयोग करके इसे गिरा दिया गया। इसको गिराने में लगभग 17 से 80 करोड़ का खर्च बताया जा रहा है। इमारत से निकले मलबे को हटाने में लगभग 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है, जिसमें लगभग 55 से 80 हज़ार टन मलबा निकलेगा। इसको ध्वस्त करने से पहले रविवार सुबह तक ट्विन टावर्स के पास स्थित 2 सोसाइटी में रह रहे कम से कम 80,000 लोगों को निकालने का पूरा काम कर लिया गया था। साथ ही रसोई गैस और बिजली की आपूर्ति बंद कर दी गई थी। ध्वस्तीकरण के फैसले को मद्देनजर रखते हुए आसपास के लगभग 500 वर्ग मीटर क्षेत्र को वर्जित क्षेत्र में तब्दील कर दिया गया, जहां किसी भी इंसान या जानवर को जाने की अनुमति नहीं थी। ध्वस्तीकरण के दौरान 400 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। टावर को ढाए जाने से पहले अदालत के आदेश पर कम से कम 40 लावारिस कुत्तों को स्थानांतरित कर दिया गया, जिनको समय के साथ साथ वापस भी लिया जाएगा।